इमरान खान साहब, सजाद मीर साहब क्या इदारों की हिमायत के हुसूल की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हिमायत की कोशिश भी करते हैं और उनको डांटते डपटते भी हैं। उन्होंने तरीका इख्तियार किया हुआ, दोनों तरह के डबल एज वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। होता है ये आमतौर पर सियासी जमातें करती हैं, लीडर भी करते हैं। इमरान खान ने ज़्यादा दबाव डाला हुआ है इदारों पर, अदलिया पर दबाव डाला हुआ है और उनको एक तरह से प्रेशराइज किया हुआ है। दूसरी तरफ फौज को भी करते हैं। यानी मैंने अर्ज किया ना, पहले वो कहा करते थे कि फौज और हम सेम पेज पर हैं, और फिर वजाहत भी की इसकी कि फौज हमेशा हुकूमत के साथ हुआ करती है। लेकिन फिर उन्होंने ये स्टैंड इख्तियार किया कि वो न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल सिर्फ इंसान नहीं होता, जानवर होता है। क्योंकि जब इंसान जब कोई दरिंदा दरिंदे को खा रहा हो तो वो न्यूट्रल ही खड़ा होकर देखता है, तमाशा देखता है, और जो जानवरों का रवैया है ये इस नुकतनज़र तक पहुँचे। अदलिया पर उन्होंने सख्त कमेंट्स किए कुछ देर, और ख़ास तौर पर जब रात के 12 बजे अदालतें की खुली, वो सारे नारे लगाए। लेकिन जब वक्त आया और जब बदलता वो नज़र आया, एक आध फैसले आए, तो उन्होंने यही तासुर दिया कि गोया वो अदलिया से तोक्को कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि अदलिया से उम्मीद है उन्हें बहुत इंसाफ मिलेगा, बल्कि अब वो ये कह रहे हैं कि अदलिया अपना हक अदा करे जो कि हक अदा करना है। वो तमाम अदारों को खुशामद नहीं कर रहे, बल्कि तमाम अदारों को एक तरह की धमकी दे रहे हैं, चलिए धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते, एक तरह से दबाव डाल रहे हैं और उनको इस बात की तर्जीम कर रहे हैं कि वो उनका साथ दें। अदारों की हमायत की कोशिश तो वो यानी अंदर से जारी है ना जी। ये कोशिश जितनी सियासी जमातें ऐलान करती हैं कि हम फलां के खिलाफ हैं, फलां के खिलाफ हैं, अंदर से हुआ नहीं करती, अंदर से बातें करती हैं, चलती भी हैं। यही नहीं है कि मुल्क के अंदर उनकी चल रही होगी बात, मुल्क से बाहर अमेरिका को मैसेज जा रहे होंगे कि हम आपके साथ हैं, कोई आपके खिलाफ नहीं है, आप आएंगे तो देखेंगे हम कैसे खादम हैं। लेकिन बार बार से बात और चलती है। अमेरिका क्या तो कर सकता है इमरान से, यही कर सकता है। तो इमरान ने कहा होगा कि मैं कोई ऐसा खिलाफ नहीं, बात कहा उसने कि बाइडेन में बाइडेन ने मुझे एंगेज तक नहीं किया। एंगेज तक ना करने का मतलब ये मुझे फ़ोन तक नहीं किया। तो इस तरह की शिकायतें पब्लिकली तो नहीं की, असीनन से इंटरव्यू देते हुए कहा तो नहीं की जाती, लेकिन ये करने का मतलब होता था कि आप दोनों एवेन्यू जो खुला रखना चाहते हैं।